ध्यान क्या है, ध्यान कैसे करें, ध्यान करने के क्या क्या फायदे हो सकते हैं। हमारा मन किसी एक चीज पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा, हम किसी चीज के बारे में विजुलाइज नहीं कर पा रहे हैं। कंसंट्रेशन कैसे अच्छा करें, आज की इस वीडियो में जो भी बातें मैं आपको बताऊंगा उन बातों को ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। वैसे सभी स्टूडेंट का मन पढ़ाई में नहीं लगता, चाहे वो पढ़ाई आध्यात्म की कर रहे हो, चाहे वो पढ़ाई मेडिकल साइंस की कर रहे हो या किसी अन्य फील्ड की कर रहे हो। यदि उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता है तो मैं उन स्टूडेंट को बताना चाहूंगा कि मेडिटेशन टेक्निक के द्वारा उन्हें पढ़ाई में भी मदद मिल सकती है और आपका कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा। और जो स्टूडेंट ये डिसाइड ही नहीं कर पाते कि उन्हें भविष्य में करना क्या है, या वो डिसीजन नहीं ले पाते हैं, उन्हें भी मेडिटेशन टेक्निक से डिसीजन मेकिंग में मदद मिलेगी। और साथ ही साथ वो एज ग्रुप जिन्हें जीवन में पीस, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ अवेयरनेस और लिव इन प्रेजेंट मोमेंट चाहते हैं, उन्हें भी मेडिटेशन टेक्निक से मदद मिल सकती है, यानी ध्यान के द्वारा वो हर प्रकार की शांति प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो का मेन फोकस उन सभी एज ग्रुपों के लिए है जो मेडिटेशन टेक्निक के द्वारा अपने जीवन में कुछ ना कुछ चेंजेस चाहते हैं, चाहे वो आध्यात्म से रिलेटेड हो, सेल्फ रियलाइजेशन से रिलेटेड हो, विजुअलाइजेशन से रिलेटेड हो या किसी भी प्रकार की ध्यान संबंधी चीज से रिलेटेड हो। लेकिन इन सभी रिजल्ट को वास्तव में पाने के लिए आपको भी हमारे साथ मेडिटेशन करना होगा। इन सभी चीजों को अपने अंदर महसूस करने के लिए आपको लगभग 2 माह का समय लग सकता है, तो पेशेंस बनाए रखिएगा, उसके बाद आपको रिजल्ट दिखाई देने लगेंगे। वैसे अगर आप मेडिटेशन करना चाहते हैं तो शुरुआत में कम से कम आपको 10 मिनट मेडिटेशन अवश्य करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को मेडिटेशन अपनी एज के बराबर प्रतिदिन करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी एज 22 साल है तो आपको एवरेज 22 मिनट प्रतिदिन मेडिटेशन करना चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज हम ध्यान क्या है, ध्यान कैसे करें और ध्यान के फायदे क्या हैं, यानी व्हाट इज मेडिटेशन, हाउ टू मेडिटेट और बेनिफिट ऑफ मेडिटेशन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि ध्यान क्या है। ध्यान मतलब एक तरह का मेडिटेशन। ध्यान का मतलब अपनी सोई हुई शक्तियों को जगाना और अपने दिमाग का 100% इस्तेमाल करना है। साइंस के अनुसार हम अपने दिमाग का केवल 2% ही इस्तेमाल करते हैं। साधारण शब्दों में अगर हम इसे जानने की कोशिश करें तो मान लीजिए हमारे हाथ में सरसों के 2 दाने हैं, हमने उन दोनों को जमीन पर बिखेर दिया और अब हम उन दोनों दानों को समेटना चाहते हैं। इस क्रिया के लिए हमने अपने दिमाग को कई जगह बिखेर दिया है। मेडिटेशन एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने दिमाग को, जो कि बिखर चुका है, उसे एकत्रित करके उस जगह पर लगाना जहां पर हम उसे लगाना चाहते हैं। वो जगह कुछ भी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए वो जगह भगवान है, कुछ लोगों के लिए वह एक बिजनेस हो सकता है, कुछ लोग अपना ध्यान पैसों पर लगाना चाहते हैं और कुछ लोगों के लिए वह पढ़ाई हो सकती है। तो यह व्यक्ति के अनुसार बदलता रहता है। तो अंततः हम यह कह सकते हैं कि वह कुछ भी हो सकता है जहां पर आप अपना ध्यान लगाना चाहते हैं, या हम यूं ही सरल शब्दों में कह सकते हैं कि मेडिटेशन यानी ध्यान अपने भीतर या अंतः मन को साफ करने की एक प्रक्रिया है, या हम यूं भी कह सकते हैं कि यह अपने आप को ताजा एवं सदैव युवा रखने का एक साधन है, जीवन को पूरी तरह से जीने का एक प्रयास है। कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि हम ध्यान करते वक्त डरने लगते हैं। यदि आप ध्यान से डरते हैं
तो इसका मतलब आप अपने जीवन से डरने लगे हैं। तुम अपने आप को जानने से डरते हो, अवेयर होने से डरते हो, तुम उस सच्चाई को जानने से डरते हो। अगर इस प्रकार की भावनाएं आपके अंदर आती हैं, तो इसका मतलब आप मेडिटेशन को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, आप उससे मजाक कर रहे हैं, आप उसको वास्तव में जानना नहीं चाहते, सिर्फ आप उसे करना चाहते हैं। जबकि आप यहाँ भूल जाते हैं कि यदि किसी चीज को आप करना चाहते हैं और उसे फोर्सली करेंगे तो आप उस चीज पर फोकस बना ही नहीं सकते, और जब आप फोकस बना ही नहीं पाएंगे तो आप कैसे ध्यान कर सकते हैं, कैसे मेडिटेशन कर सकते हैं। अगर तुम वास्तव में ध्यान के बारे में जानना चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले ध्यान यानी मेडिटेशन पर विश्वास करना होगा। तुम्हें अपने अंदर मौजूद उन सभी शक्तियों पर विश्वास करना होगा, उस सूक्ष्म जगत पर विश्वास करना होगा, उस सूक्ष्म आत्मा पर विश्वास करना होगा, तभी तुमसे ध्यान हो पाएगा। अब सवाल आता है कि ध्यान करें तो कैसे करें। अगर आप शुरुआती दौर में ध्यान करना चाहते हैं तो आप अपना ध्यान 10 मिनट से शुरू करें। मेडिटेशन करने के लिए कुछ आसान तरीके मैं आपको बताने वाला हूं। नंबर 1, किसी शांत जगह पर आराम से बैठ जाइए, कोई सॉफ्ट म्यूजिक चला लीजिए और अपनी सांसों को काउंट कीजिए, अपनी हार्ट बीट को सुनने की कोशिश कीजिए। शुरुआत में यह आप 10 मिनट तक करें और धीरे धीरे इसे बढ़ाकर आप प्रतिदिन 20 मिनट करने की कोशिश करें। अगर आप चाहते हैं तो आप ज्यादा भी कर सकते हैं, परंतु 20 मिनट तो आपको लगभग करना ही है। नंबर 2, आप अपने घर पर दीवार पर या किसी ऐसी जगह कोई पॉइंट बनाकर उसे ध्यान से देख सकते हैं, यह भी ध्यान का एक हिस्सा माना जाता है और यह ध्यान करने का सबसे आसान तरीका है। यह तरीका ज्यादातर उन लोगों के लिए रिकमेंड किया जाता है जिन्हें आंखों में प्रॉब्लम होती है। मैंने ऐसा देखा है कि जिन लोगों की आंखों में कोई दिक्कत होती है, आंखों से पानी गिरता है, डॉक्टर उनको सलाह देते हैं कि आप किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ध्यान केंद्रित कीजिए, उसको फोकस करिए, उसी पर अपना ध्यान केंद्रित करिए। नंबर 3, शुरुआती दिनों में ध्यान करने के लिए आपके दिमाग को शांत होना जरूरी है। अगर आपके मन में कोई क्रोध है, आप किसी से जिलिस फील कर रहे हैं, तो ध्यान होना असंभव है। तो सर्वप्रथम आपको अपने दिमाग से उस क्रोध को निकालना पड़ेगा। किसी और के प्रति ईर्ष्या है तो उसे भी आपको निकालना पड़ेगा, तभी आप ध्यान कर पाएंगे। नंबर 4, हर काम जो भी आप करते हैं उसे पूरे कंसंट्रेशन के साथ करें। आप ये देखते रहें कहीं आपका दिमाग कुछ और तो नहीं सोच रहा है। अगर आपके दिमाग में कोई काम करते हुए भी दूसरे विचार आते हैं तो आप समझ जाइए कि आपके दिमाग को और शांत करने की जरूरत है, आपको अपने आप पर और ज्यादा कंट्रोल करने की जरूरत है। नंबर 5, सुख आसन में बैठकर अपने शरीर के प्रत्येक अंग को तनाव मुक्त करें और यह महसूस करने की कोशिश करें कि आपके शरीर का तनाव आपकी सांसों के द्वारा बाहर निकल रहा है। अगर आपके किसी विशेष अंग में कोई दर्द है तो आप यह महसूस करने की कोशिश करिए कि वह कम हो रहा है। ऐसा करने से आपका शरीर धीरे धीरे ठीक होने लगेगा, आपको यह चमत्कार जैसा लगेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेडिटेशन यानी ध्यान के जरिए आप बड़ी से बड़ी बीमारी को भी मात दे सकते हैं। नंबर 6, बाय द वे, आप कभी भी मेडिटेशन कर सकते हैं, परंतु सुबह के समय यानी 4 से 6 बजे के बीच का समय मेडिटेशन के लिए उपयुक्त माना गया है। अगर आप चाहते हैं तो आपके लिए सबसे आसान टिप्स यह है कि आप बैठकर 1 से 100 तक काउंट करें, और यह सेम चीज आप दिन में 2 से 3 बार कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके माइंड में कंसंट्रेशन की पावर बढ़ेगी और आपके अंदर आने वाले नेगेटिव विचार दूर होने लगेंगे। ऐसा करने से आपका माइंड 1 से 100 तक की गिनती के बीच फंसा रहेगा और उसी से आपके माइंड में
जो भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं वो क्लियर होते जाएंगे। क्योंकि अभी आप काउंटिंग करने में व्यस्त हैं तो आपका दिमाग किसी और चीज को सोच नहीं पाएगा, और थोड़ी देर बाद जब आप मेडिटेशन करेंगे तो आपको 1 से 100 तक को दोबारा से काउंट नहीं करना पड़ेगा। चलिए अब ध्यान के फायदे जान लेते हैं। नंबर 1, आप भगवान से कनेक्ट होते हैं। नंबर 2, मेडिटेशन से हम अपने ही दिमाग, अपने ही माइंड को शांत और रिलैक्स कर सकते हैं। नंबर 3, कहते हैं मनुष्य का दिमाग अनेक शक्तियों का भंडार है, तो मेडिटेशन के द्वारा आप अपनी सोई हुई उन शक्तियों को भी जगा सकते हैं। आप अपनी उस छुपी हुई पावर को महसूस कर सकते हैं जो एक आम इंसान कभी नहीं कर पाता। नंबर 4, अगर आप यह चाहते हैं कि आप अपने जीवन को पूर्णता जिए तो आपको ध्यान यानी मेडिटेशन अवश्य करना चाहिए। नंबर 5, ध्यान यानी मेडिटेशन से आप तनाव मुक्त जीवन जी सकते हैं। नंबर 6, आप अपने काम को कम समय में पूरा कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मेडिटेशन से पहले आपको किसी काम को करने में 10 मिनट का समय लगता था, और मेडिटेशन करने के बाद आपका फोकस उस काम को करने में और ज्यादा सक्षम हो जाता है, तो जाहिर सी बात है कि आपको जो समय लगेगा वह पहले से कम लगेगा। नंबर 7, आप डेली की वो चीजें जो आप करते थे, लोगों के वो नाम जिन्हें आप भूल जाया करते थे, उन्हें याद करने में आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। नंबर 8, आपका शरीर ज्यादा हेल्थी होगा, आप ज्यादा काम कर पाएंगे, आप ज्यादा समय किसी चीज को उत्सुकता से कर सकते हैं। नंबर 9, आप अच्छी निद्रा लेंगे, आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। नंबर 10, वो स्टूडेंट जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, मेडिटेशन करने के बाद वो पढ़ाई में ज्यादा मन लगा पाएंगे और उनको वो चीजें ज्यादा समझ में आएंगी जो मेडिटेशन से पहले उन्हें समझ में नहीं आती थी, क्योंकि मेडिटेशन के द्वारा उनकी एकाग्रता बढ़ती है, और जब एकाग्रता बढ़ती है तो पढ़ाई में मन लगता है और उस चीज को एक बार में समझा जा सकता है, जिस चीज को पहले जब फोकस नहीं था तब वह नहीं समझ पा रहा था, उसे अब वह बेहतर तरीके से समझ पा रहा है। एंड दैट इज द लास्ट, आप मेडिटेशन से किसी भी प्रकार की बीमारी से लड़ने की शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। आप किसी भी ऐसे विषम परिस्थिति में अपने आप को लड़ने के लिए सक्षम कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस वीडियो से ज्यादा लोग लाभ उठा पाएं। तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलता हूं अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।